तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सूरज जी से। सूरज जी CNW टेक्नीशियन है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे और काम के बारे में जानेंगे। तो लाइव वीडियो में बना रहा हूँ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलने वाला है तो आपको सुनने मिलेगा। तो आप लोग देखिए वीडियो को लास्ट तक, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए सूरज जी, कुछ आपके बारे में। वैसे तो मैं यहाँ पे, मेरा नाम सूरज कुमार हुआ और मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बाकी आप क्या जानना चाहते हैं, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए, जॉब प्रोफाइल कैसा है, उनको कैसा आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, काम क्या करना है, क्या रिस्क होता है, क्या सैलरी प्रमोशन एक्सेट्रा, जो भी एक एक करके आप जो आपको बोलना है। जैसे कि देखिए, ये वो वीडियो में ही आया था क्या, पहले वाला है ना? नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट पर हूँ। फीटर का काम हम लोगों फीटर फील्ड से आए हो आप। CNW मैकेनिकल वर्क यहाँ पे है, इसमें मैं तो, और मैं तो मूल रूप से बूट्स देखता हूँ, वागन वागन। अच्छा, तो वागन में हम लोगों का काम TSR के अंदर हम लोग रहते हैं, हम लोग एग्जामिन करते हैं यहाँ पे। मतलब वागन में क्या क्या काम होता है सूरज जी? वैगन में देखिए, ऐसे तो दो पॉइंट होता है, एक TXR पॉइंट होता है, एक सिकलाइन पॉइंट होता है। हम लोग हैं TXR पॉइंट पे। TXR में एग्जामिन होता है मोस्टली। एग्जामिन करने के दौरान यदि बहुत सारे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो यदि नहीं है, यदि मिसिंग है, तो वो हम लोगों को रिपेयर करना पड़ता है। यदि वाइटल कुछ डैम प्रॉब्लम है तो वो हम लोग सिकलाइन हम लोग डैमेज कर देते हैं। मतलब डिस्पैच पे हैं? हाँ, हम लोग डैमेज कर देते हैं, TXR उसे सिकलाइन भेज देता है, फिर वहाँ पे रिपेयर होके फिर गाड़ी आता है। आप लोग काम का लोड कैसा है, मतलब काम का जो प्रेशर कितना है? काम का लोड, काम काम है, इसमें लोड अनलोड समझने से कोई मतलब नहीं है, काम है तो काम करना है। इसमें सेफ्टी बहुत जरूरी है। सेफ्टी डिपार्टमेंट में ही हम लोग आते हैं, तो हम लोग तो अपनी भी सेफ्टी देखनी है, ट्रेन की भी सेफ्टी देखनी है। तो सूरज जी बोल रहे हैं, आप कितना साल से इधर हैं? मैं तो ऐसे यहाँ 2020 में आया हूँ, 2020 से कंटिन्यू यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और जो अभी जो न्यू ज्वाइन किए उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा है, काम करे, वो अपना एग्जाम दे के वो आए हैं, यदि वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 या 4th क्लास में भी आए तो कोई नहीं, काम तो काम है, काम को काम के नज़रिए से देखना चाहिए और सारा काम अच्छा ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, अभी सब लड़के पास अपना क्वालिटी होता है, कोई फीटर से आता है, कोई डिप्लोमा से आता है, कोई भी जहाँ से आता है, सबके पास क्वालिटी है, तो उनका फ्यूचर इसमें से कितना ब्राइट है कि उन लोग आगे जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे इसमें तो CNW में एक आम व्यक्ति MCM पोस्ट तक जाता है, जिसको सीनियर टेक लोग बोलते हैं, ऐसे मास्टर कैप भी बोला जाता है, तो वहाँ तक तो लोग जाते ही हैं। यदि वो कुछ भी ना करे, केवल काम करते रहे, तो वो MCM बन जाता है। MCM का जो लास्ट ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे होता है। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए, जो यहाँ पे हेल्पर में आए हैं या फिर जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आए हैं, वो 4200 तक इसमें जा सकता है। जा सकता है, उसका एग्ज़ाम देंगे तो LDC GDC देंगे तो और भी अपर जा सकते बात है। वो तो रेलवे का कोई भी विभाग में है, वो GDC दे सकते हैं, GDC उनका उनके अंदर। फिलहाल GDC आया भी है। हाँ, GDC आया भी है, वो GDC अप्लाई करेंगे तो इस अपने डिपार्टमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है और किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं मुझे जाना है ट्रैफिक में जाना है, वो जा सकते हैं। अच्छा, ड्यूटी रोस्टर क्या होता है सूरज जी, बताइए थोड़ा। CNW में 3 शिफ्ट में काम होता है। अच्छा, मतलब ये 24 आवर्स ड्यूटी रहता है। अच्छा। लेकिन लोगों का 3 शिफ्ट में बांटा जाता है। अच्छा। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट जो 7 बजे से 2 बजे तक होता है यहाँ पे, और उसके बाद दूसरा शिफ्ट 2 बजे से रात का 10 बजे तक होता है, और तीसरा शिफ्ट रात के 10 बजे से मॉर्निंग सुबह। अच्छा। मतलब ड्यूटी आप लोग ठीक ठाक है, 8 घंटा ड्यूटी होता है, कोई दिक्कत नहीं है? ड्यूटी है ही, 8 घंटा ड्यूटी होता है। वीकली 2 दिन रेस्ट होता है आप लोग का? वो 2 दिन ही रेस्ट तो 1 दिन है, बट हो जाता है। मतलब नाइट करते हैं तो नाइट के बदले ऑफिशियली 48 घंटा आपका ड्यूटी तो हो ही जाता है। हाँ, ड्यूटी तो 48 घंटा देना हो ही जाता है। और आपका प्रमोशन वगैरह में तो बोल दिए हैं, सैलरी आपको ठीक ठाक मिल जाता होगा? देखिए, जैसा पोस्ट है वैसा सैलरी है। अच्छा अच्छा। अब जिस हम पोस्ट पे ज्वाइन किए हमें तो उस अनुसार से एक्सेप्ट करना ही चाहिए जो मुझे मिलता है, और हमें ज्यादा चॉइस है तो हमें आगे ट्राई करना चाहिए। तो सूरज जी, इन फ्यूचर के लिए आप क्या सोच रहे हैं, इधर से क्या सोच रहे हैं आप, क्या कहाँ जाएंगे आप? नहीं देखिए, फिलहाल तो यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, मेरा काफ़ी समय भी निकल गया है, लेकिन नए लड़के जो हैं वो अपना, यदि पढ़ाई अच्छा है तो कहीं भी जा सकते हैं। तो सूरज जी, आप एक भी बताइए, जो नए लड़के आ रहे हैं उनको अभी आ रहे हैं ज्वाइनिंग,
तो उनको लाइन में कितना मतलब काम करना चाहिए, और बहुत सारा जो होते हैं नए नए आते हैं उन लोग लाइन में नहीं आते, उनके लिए क्या बोलेंगे, लाइन में आना नहीं चाहिए कि नहीं? देखिए, काम मिला है वो ज्वाइन किए हैं तो वही काम, तो तो काम बहुत के लिए सारे ज्वाइन सोचते हैं किए कि हैं मुझे लेवल के अनुसार अपना जॉब नहीं मिला तो, तो वो फिर वो जॉब ही छोड़ दे। जब जॉब उनका काम नहीं करना है उनके ज्वाइन क्यों किए फिर। मतलब पैशनेबल कितना है इस जॉब में, मतलब इसमें कितना पैशन मिलता है काम करने का टाइम? देखिए, आप काम के लिए ज्वाइन किए हैं तो आपको पहले काम को काम के नज़रिए से देखना होगा। आप ठीक है, आपके अंदर क्वालिटी, आप IPS भी बनने का क्वालिटी हो सकता है, वो अलग बात है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप जाइए। लेकिन यदि आप जहाँ पे ज्वाइन किए हैं तत्काल, वो तो आपका काम है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और सूरज जी बता रहे कि इसमें जो आपका जो वर्क होता है वो टीम वर्क होता है, सिंगल वर्क होता है? नहीं, ये सिर्फ टीम वर्क का काम है। यहाँ पे हम लोग टीम में जाते हैं, जैसे जब एग्जामिन होता है तो इसमें दो जो बड़े पोस्ट पे जो MCM लेवल के होते हैं वो एग्जामिन करते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ज़रूरी नहीं है कि MCM वाले एग्जामिन करेंगे, यहाँ तो हम लोग, मैं Tech 3 में हूँ, मैं भी एग्जामिन करता हूँ। अच्छा, तो सूरज जी जब आप एग्जामिन करेंगे तो कुछ दिखा दीजिएगा जो जैसे आपको अभी तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, काम हो गया है। ऐसे आप अभी भी देखना चाहें तो ये सामने गाड़ी है, इस गाड़ी में जैसे ये अपर गियर का पार्ट्स है, ये सब देखना होता है, ये जो वाल है ये सही है कि नहीं है, फिर ये डोर है, डोर का जैसे ये विंज वगैरह है, ये सब सही होना चाहिए गाड़ी का। फिर आप अंडर गियर में देखेंगे तो व्हील अच्छा होना चाहिए, व्हील के साथ साथ ये जो आपका बेयरिंग है, एक्सल है, फिर बेयरिंग के ऊपर ये सब जो है मतलब पार्ट्स। जानने के लिए बहुत कुछ है, हाँ, बहुत कुछ है यार, काम की मतलब कमी नहीं है। काम सीखने में बहुत अच्छा हाँ, लगेगा, मेकेनिकल मतलब कोई पार्ट्स, बोरिंग वाला फील नहीं नहीं होगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं है वो, अपने आप काम में बस मन जब लगाएंगे तो काम बहुत बढ़िया करना है होता है। उसमें पूरा 100% देना है जितना भी काम करना बिल्कुल, है। ये हमारा, हम लोग सेफ्टी के लिए काम करते हैं, हमारे ऊपर ट्रेन जाता है, यदि हम ट्रेन को अच्छा से नहीं देखेंगे तो आगे तो मेरी तो जिम्मेवारी है ना, हाँ वो बात तो सही है, तो मुझे तो ट्रेन देखना ही पड़ेगा अच्छा वही बात है। दोस्त आपको सैलरी में क्या क्या अलाउंस देखने को मिलता है जो आपको? से। सैलरी में CNW में तो आपका एक बेसिक होता है, DA होता है, उसके साथ यदि आप नाइट, आपको मिलता है नाइट में रहते हैं तो आपको नाइट मिलता है, एक ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, आने जाने का मिलता है, अच्छा इंश्योरेंस सूरज जी, अलाउंस रेंट सबसे का। जो इम्पोर्टेंट बात आपसे करने वाले हैं, आप तो बहुत दिन इधर हैं, एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो बहुत जो आप लोग सोचिए आपका लेवल 2 है अभी, अभी आप लेवल 4 में जाएंगे जब आपको प्रमोशन बनेगा, तो आप लोग इधर ही रहेंगे कि दूसरा जगह में चले जाएंगे? क्योंकि आपका तो पोस्टिंग से मतलब ओपन लाइन में हुआ है, तो आपको अभी जैसे अभी आप देखिए, जहाँ हैं अभी दूसरा जगह आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, दूसरा स्टेशन में पोस्टिंग दिया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? रेलवे में ट्रांसफर नहीं होता है, रेलवे में खासकर जो टेक्नीशियन है वो टेक 3 से टेक 2 बने या टेक 1 बने या MCM बने, MCM तक तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, यदि कोई आदमी JEE बन जाता है, कोई डिपार्टमेंटल दे के JEE बन गया तो उन्हें दूसरी जगह भेजा जाता एक है। और होता है कि जो पनिशमेंट होता है तो उन्हीं को ज्यादातर भेजा जाता है। हाँ, वो अलग केस है, पनिशमेंट होना वो अलग बात है, कोई तो मिसबिहेव रेल में किया, अच्छा से काम वाम नहीं किया, तो उसकी बात अलग होती है, ऐसे कोई ट्रांसफर नहीं है। जी देखिए, ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, हम लोग ग्रुप D से हेल्पर से लेकर के MCM तक का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, जनरली ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो अलग बात है, पनिशमेंट केस अलग बात है, ऐसे कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। अच्छा, हाँ, यदि कोई आदमी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके, यदि वो JEE वगैरह बन जाते हैं, यदि उनके पास कोई डिग्री है पहले से, तो JEE वगैरह बन जाते हैं तो फिर वो उनका ट्रांसफ़र होता है। मतलब अपर पोस्ट लेवल 6 लेवल वो अपर AME सब वो सब का हाँ, होता है। JEE से, JEE बनने के बाद एक ट्रांसफर सबसे होता जो इम्पोर्टेंट सबसे होता है जब न्यू जॉब करते हैं, जब हम लोग आते हैं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, छुट्टी वगैरह का जो जरूरत होता है वो कैसे मिलता है आप लोगों को? है। देखिए, छुट्टी तो ये है, बना हुआ है, नियम है कि साल में आपको 10 CL मिलता है, रेलवे में 30 LAP मिलता वो है। मिल जाता है आपको 10 CL साल में पूरा? देखिए, वो बिल्कुल, वो बात है कि हम लोग ग्रुप में पूरा, हम लोग अपना समझौता टीम करके आप लोग होता है मतलब तो जाते हैं, अपने इसमें भी हिसाब आप से लोगों को वो टीम जो, वर्क करना पड़ता है। हाँ, अब जरूरी, जैसे एक बार में अब 4 आदमी को काम लग गया, एक बार में तो 4 आदमी को नहीं छोड़ा जाता नहीं है, छोड़ा जाता। तो वो देखा जाता है किसका परिस्थिति कैसा है। अच्छा, लेकिन हम लोग साल में कोई भी स्टाफ अपना मैनेजमेंट बना के रखे तो साल में 10 दिन साल ले ही लेते हैं। अभी जैसे दुर्गा पूजा आ रहे हैं तो आप छुट्टी ले हाँ, रहे हैं कि नहीं? नहीं, मेरी तो छुट्टी नहीं है, बहुत सारे स्टाफ ने छुट्टी ले रखे हैं, अब दिवाली अब में मुझे जाएंगे आप? जरूरी भी नहीं है, मैं दिवाली या छठ पूजा में। अच्छा, दिवाली छठ हाँ पूजा के लिए जा रहे हैं। हाँ अच्छा, तो बेसिकली जो सूरज जी है, जो हमारे सूरज जी है, वो आप एग्जामिन के लिए स्पेशलिस्ट है, तो उनसे आगे जाके भी हम लोग जानकारी लेंगे,
तो आज के वीडियो इतना ही, उनके उनके तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आया है तो उनके लिए खास करके लाइक शेयर कर लीजिएगा और जरूर एक लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा आज के वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सूरज जी।